हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप सबने पढ़े भी होंगे, मैं हर किसी के कमेंट का अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कमेंट हम आपको और हमें कनेक्ट करने का एक जरिया है, ठीक है? और कई बार इतने मतलब सेंसलेस कमेंट होते हैं जिसका कोई हद नहीं, और ऐसे ही कमेंट या ऐसे ही बातें मुझे ईमेल पे भी भेजी जाती है। मैं उनको वहीं निपटान कर देता हूं, चाहे मैं कैसा भी जवाब दूं, ठीक है? लेकिन कई क्वेश्चन या कई एलिगेशन इतने भद्दे होते हैं ना कि वो मुझे अंदर से झंझोड़ देते हैं कि यार ये मैं किसके लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। हालांकि YouTube चैनल बनाना मेरा पर्सनल वो है, क्या कहते हैं, पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं इसमें? एस्पायरेंट का फायदा करने की कोशिश कर रहा हूं ना। तो मैं बताता हूं, एक बच्चे ने, ये है अंधभक्त। अंधभक्ति कहीं भी अच्छी नहीं होती, अंधभक्ति कहीं भी अच्छी नहीं होती। किसके अंधभक्त है मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक भाई साहब ने हमें बताया कि सर हिंदू धर्म को ये ना करो, वो ना करो। वो भी अपनी जगह सही है, मेरे से हो सकता है भाई, ठीक है, वो भी मैं यूज नहीं करूंगा। अब ये अंधभक्त मुझे ईमेल पे क्या लिखते हैं पता है? मतलब क्या ईमेल करते हैं कि सर आपके वजह से कोई भी केवीएस अपडेट नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कोई केवीएस अपडेट लाता है, आप उसकी टांग खींचते हो। टांग, यही क्वेश्चन ईमेल पे पूछा गया, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यही। अब मुझे हंसी आई एक बार को इस एस्पेरेंट के बारे में कि ये किस भ्रम में जी रहा है। और फिर मेरा मन करा कि यार ये तो बताने वाली बात बनती है, चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आपको पता है, अभी आप नोटिस कर रहे होंगे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे उसमें से 70-80% तो इस समय ये फेक र्यूमर उठाना बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि केवीएस में रिक्रूटमेंट आ रहा है, बैच स्टार्ट करो। हालांकि बैच चल रहे हैं उनके, देखो मैं पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं, उनके पढ़ाने पे मैं जज नहीं कर रहा, बैच बनाने पे जज नहीं कर रहा। जो झूठ बोल के करते हैं, क्योंकि उनके चक्कर में कई बेचारे जॉब छोड़ देते हैं, अपनी सब कुछ कर देते हैं और लग जाते हैं उनके बैच को ज्वाइन करके, और वैकेंसी आती नहीं है, फिर वो बच्चे ना इधर के रहते ना उधर के रहते हैं। अब 70-80% जितने भी स्टेक होल्डर थे ये इंस्टीट्यूट वाले अभी फिलहाल रुके हुए हैं। और पता है आपको, अगर मैं ऐसी टांग नहीं खींचता और या मैं सच नहीं बताता आपको, तो आपको यकीन नहीं है, आप मानो ना मानो, इस समय धड़ल्ले से बैच चल रहे होते। अगर ए कहता कि निकलने वाली है, उसका फायदा बी भी उठाता, सी भी उठाता, डी भी उठाता, और सब पेलम पेल चलते। मुझे इससे कोई बुराई नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन झूठ बोल के नहीं, क्योंकि आपकी एक झूठी उम्मीद पे एक एस्पायरेंट और उसका परिवार कितनी उम्मीदें सजा लेता है, ये नहीं समझ रहे हैं और कभी समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना? मैं भी वहां होता तो शायद नहीं समझ पाता, क्योंकि वहां पैसा इतना ज्यादा है कि कुछ सोचने की चक्कर नहीं है। अभी कुछ परसेंट बचे हुए हैं जो अभी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देखो मैं तो कह रहा हूं कि 2022 में आएगी, ठीक है, भगवान करे उनकी प्रोडिक्शन सही हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा ना हो। पता है आपको, ये सन्नाटा सा जो हो रहा है ना, सन्नाटा सा का मतलब समझते हो? सन्नाटा सा का मतलब कि अभी इस समय कोई भी मतलब चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, कोई भी हो, इस समय किसी भी आरटीआई का
किसी भी ऑफिशियल अपडेट का, ऑफिशियल अपडेट में समझते हो ना, चाहे ट्रांसफर हो चाहे प्रमोशन हो, किसी भी इसका गलत इंफॉर्मेशन, गलत मिस इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे, गलत मतलब मिस इंफॉर्मेशन नहीं फैला रहे, समझ रहे हो? और ये बहुत सुकून की बात है, क्योंकि आपको पता है 2020 तक एक आरटीआई के दम पे, ये बहुत कॉमन हो गया था, मैंने देखा था, और आपको पता है एक आरटीआई के जवाब से ही वो ये प्रोपेगेंडा शुरू कर देते थे कि आने वाली है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आरटीआई का जवाब हमेशा पॉजिटिव में देती है, नेगेटिव में कोई देगा ही नहीं। आपके घर वालों के आरटीआई पूछो ना कि आपका भाई कैसा है, तो आप वाहवाही लिखोगे, चाहे वो वाहवा ना हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, ये चीज आपने देखी, आपने ये चीज भी देखी कि मैं जब पूरा कंटेंट फ्री लेके आया, तो अब कुछ लोग इनिशिएटिव लेके थोड़ा थोड़ा फ्री तो ला रहे हैं, लेकिन वो क्लियरली कह रहे हैं कि कोर्स और ये दोनों में अंतर होगा, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपने इस चीज को भी अब नोटिस करा होगा, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज को भी अब नोटिस करा होगा कि बहुत से अब ये कहने लग गए कि सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है, लेकिन वो दोहरे मन से कह रहे हैं, कह तो रहे सेल्फ स्टडी सब कुछ है, फिर उसके अगली लाइन में कहते हैं कि 1 अप्रैल के बाद कोर्स महंगा हो जाएगा। तो बच्चा, मैंने ये सब करा आप लोगों के लिए, कि मैंने एक स्ट्रांग अपोजिशन का काम करा है, कि जिससे थोड़ी ही सही इस झूठ के व्यापार में लगाम लगाई है, लेकिन आप सब में से ही कहीं या तो ये बिल्कुल इनोसेंट एस्पायरेंट है, या फिर ये वही हैं, उन्हीं के अपने परिवार वाले हैं, या कोई भी है, भाई बहन कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक सीरियस एस्पायरेंट तो ये बात नहीं कह सकता। भाई मैं कैसे रोक लूंगा, अगर ऑफिशियल अपडेट आएगा तो कोई रोक देगा? बताओ बताओ। तो मुझे बहुत दुख हुआ है बातें सुन के, लेकिन मैंने कहा ना, बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे एलिगेशन आते हैं, लेकिन मैं फिर भी टिका हुआ हूं, क्योंकि मेरी नीयत साफ है, और मैं चाहता भी बिल्कुल एक ही चीज हूं, कि कोई भी जीते, ए जीते, बी जीते, सी जीते, मैं जीतूं, लेकिन इस बार मौका मिलना चाहिए, और जिन्होंने मेहनत करी है या जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, अगर बेच रहा होता तो कहता, चाहे कितना भी ज्ञान फैलता, लास्ट में कहता कि 2 अप्रैल से कोर्स महंगा होने वाला, आज ही ले लीजिए, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि कोर्स महंगा है सस्ता है, आप ये नहीं समझ रहे हो, मेरे को दिक्कत बस इस बात से कि आप सच्चाई बताओ ना, आप डंके की चोट पे कहो कि भाई यूट्यूब चैनल पे हम सिर्फ ट्रेलर डाल रहे हैं, पिक्चर सारी वहां मिलेगी, आप डंके की चोट पे कहो कि बैच स्टार्ट करना है करो, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि कब आएगी रिक्रूटमेंट, तब देखे खेल, ऐसा खेल हो ही नहीं सकता, ऐसा खेल हुआ तो आधे ताले लग जाएंगे, ठीक है ना, चलो देखते हैं कब तक हो